नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। मैं आपके साथ सुभाष चौधरी, और आज मरसा चौमू नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो वहां से वार्ड नंबर 19 से मालीराम जी नटवाड़िया हमारे साथ है। तो इनके पिताजी यहां से हनुमान जी नटवाड़िया यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हनुमान साहब नटवाड़िया 19 नंबर वार्ड से। कांग्रेस ने इन पर विश्वास करके यहां से इनको टिकट दिया है, और अब की बार जो चौमू नगर पालिका के अंदर चुनाव हो रहा है, तो वहां से आरएलपी भी अपना भविष्य आजमा रही है। पिछली बार विधानसभा के अंदर भी यहां से छुट्टन जी यादव को यहां से कैंडिडेट उतारा था, लेकिन कांग्रेस को उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और सत्ता के अंदर जो सरकार है वो कांग्रेस की है, लेकिन यहां का जो वर्तमान के अंदर जो एमएलए है वो लगातार यहां के भाजपा से जीत रहे हैं। तो रामलाल जी शर्मा यहां भाजपा से एमएलए है, और नगर पालिका का जो बोर्ड है वो भी लगातार यहां से भाजपा का है। तो अब की बार क्या कांग्रेस का बोर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस पर बात करेंगे। क्या जो आरएलपी का जो पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला था उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ था, वो नगर पालिका में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर बात करेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो एमएलए साहब के जो पुत्र है विष्णु जी का नाम आने की वजह से कुछ न कुछ हलचल कांग्रेस के अंदर चौमू नगर पालिका में देखने को मिल रही है। तो 19 नंबर वार्ड के अंदर आरएलपी से जो प्रत्याशी है वो एक चेयरमैन के दावेदार माने जा रहे हैं, और पूरे नगर पालिका के जितनी भी जनता है उनका जो 19 नंबर वार्ड के अंदर फोकस है, भी 19 नंबर वार्ड के अंदर क्या होगा, तो इनसे बात करेंगे। भी इनके पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी समस्या लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? साहब चैनल के अंदर स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार जी। मालूम है थोड़े साहब जी। अच्छा, मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक हमारे गांव की दो ही समस्याएं, एक पानी की और एक रोड की, तो दोनों समस्याएं पिताजी जी चुनाव जीतते हैं, दोनों समस्याएं पूरी हल करेंगे, और ये हमारा पूर्ण विश्वास हल करूँगा। ये दो मोटी मोटी समस्या हमारी पानी की रोड है गाँव में, तो इन्हीं को हल करने का हमारा रहेगा पिताजी। तो जैसे इच्छा आपने बताया, भी हम भी एक बार मेरी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन बच्चों की वजह से आपका नाम नहीं आया। और आपने देखा होगा वार्ड के अंदर 19 नंबर वार्ड के अंदर आपको क्या लगता है, भी अब की बार जो कांग्रेस ने आप पे विश्वास किया है, तो क्या पार्टी के विश्वास पे आप खड़े उतरोगे? बिल्कुल पिताजी, पार्टी के विश्वास खड़े उतरेंगे, और पार्टी के निर्देशों की पालना करेंगे, विकास करवाएंगे गाँव का, वार्ड का, यही मिलेगा। तो मालराम जी, इससे पहले भी आपने मतलब वार्ड के लिए सामाजिक कार्य के रूप में क्या काम किया? आपके पिताजी, आपने बताया पिताजी पहले भी पार्षद रह चुके हैं यहाँ से, तो उन्होंने पार्षद रहते हुए क्या क्या काम करवाया आपने नगर पालिका? मेरी वार्ड में पूरी में रोड लाइट करवाई, रोडे करवाई उस समय, तो कुछ रोडे भी नया कार्यक्रम रोडे भी करवाई और लाइटें भी करवाई, रोड लाइट भी करवाई। अभी भी मेरे पिताजी पूरे गाँव के विकास के लिए लगे रहते हैं। तो 19 नंबर वार्ड की जो यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो आप?